बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये वही पेपर है जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, एएम इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। पहले 10 क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है, इन एन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव फीडबैक हो उसके बारे में हमें 4 ऑप्शन पूछी गई हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमने बतानी है। ऑप्शन ए, ओनली द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज अफेक्टेड, ओनली द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस आर अफेक्टेड, ओनली द गेन एंड बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर आर अफेक्टेड, ऑल ऑफ द 4 पैरामीटर मेंशन अबव विल बी अफेक्टेड। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, के ऐसा एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव फीडबैक हो उसमें हमारे पास गेन, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस और जो बैंडविड्थ है ये चारों अफेक्टेड होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन डी है। चलें अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इन क्लास ए एम्पलीफायर आउटपुट करंट फ्लोज फॉर, ऑप्शन ए अ पार्ट साइकिल ऑफ द इनपुट साइकिल, इनपुट सिग्नल हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, द फुल साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, 3/4 साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, क्लास ए एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट करंट फ्लो करता है वो हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शंस गिवन है डिक्रीजेज, इंक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज या कॉन्स्टेंट। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। ठीक है, करंट जो है वो इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ वोल्टेज सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर इनपुट इम्पीडेंस, एक वोल्टेज सीरीज हमारे पास एम्पलीफायर है जिसमें जो फीडबैक जो है वो हमारा नेगेटिव लगा हुआ है, तो उसके लिए इनपुट इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है। ऑप्शंस गिवन है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कांस्टेंट रहती है या अनचेंज होती है, रिमेन्स अनचेंज, चेंज ही नहीं होती। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन टू स्टेज ओप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसे बेसिकली कहते हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेशन सर्किटरी, ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड हाई गेन, टू एस्टेब्लिश प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ईच ट्रांजिस्टर इन इट्स क्वेसेंट स्टेट, टू अचीव स्टेबल क्लोज्ड लूप परफॉर्मेंस, टू लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस एंड मेंटेन लार्ज सिग्नल स्विंग। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, टू अचीव स्टेबल क्लोज लूप परफॉर्मेंस। हमारे पास ये मकसद होता है कि जो हमारे पास 2 स्टेज ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं उसमें हम कंपनसेशन सर्किटरी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर इस पेपर के। क्वेश्चन नंबर 16 में है हमारे पास के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अनडिजायरेबल होती है। ऑप्शंस गिवन है रिप्रोडक्टिविटी, डेड जोन, टाइम लेग, स्टैटिक एरर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, टाइम लेग। टाइम लेग जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे पास एक अनडिजायरेबल डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ सर्किट जिसकी वोल्टेज अक्रॉस डीसी हमारे पास 200 वोल्ट है, अफेक्टिव एसी वोल्टेज हमारे पास क्या होगी वो हमसे जो है वो पूछा गया है, वो 20 होगी, 50 होगी, 100 होगी या 200 वोल्ट होगी। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी, 200 वोल्ट, ये हमारे पास अफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू होगी और ये बेसिकली वही होती है जो हमारे पास डीसी वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास 200 वोल्ट थी, तो हमारे पास यही आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू भी होगी 200 वोल्ट, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन टर्म्स ऑफ
सर्किट कंपोनेंट्स, व्हाट डज द टर्म होल रेफर्स टू। जब हम सर्किट कंपोनेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक हमारे पास टर्म आती है जिससे पोल हम कहते हैं। तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ऑप्शन गिवन है अ सिंगल आरएल सर्किट, अ सिंगल आरसी सर्किट, अ समिंग एम्पलीफायर, अ कैस्केडेड एम्पलीफायर। तो जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, अ सिंगल आरसी सर्किट। सिंगल आरसी सर्किट, इसे बेसिकली हम सर्किट कंपोनेंट्स में पोल कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने आपको दे दी है कि जो लेप्लास होता है कैपेसिटेंस कैपेसिटर का वो 1/s होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओरिजिन के ऊपर एक पोल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज। डीसी मोटर की स्पीड जो है उसकी रिलेशन पूछी गई है। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो जो राइट आंसर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल। तो इसकी रिलेशन भी आपको मिल जाएगी डिफरेंट बुक्स में। तो जो मोटर की डीसी मोटर की स्पीड होती है वो इनवर्सली वेरी करती है फ्लक्स पर पोल के साथ। जो राइट आंसर है वो फिर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन नॉर्मल सर्किट, ठीक है, इमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है कि अगर ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट में प्रॉपर काम करता है उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो इमिटर बेस जंक्शन उसे हम फॉरवर्ड बायस करते हैं और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसे हम रिवर्स बायस करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो इस पेपर की एक और मजीद वीडियो मैं बनाऊंगा तो जिसमें मजीद 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।